हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 14 आजाद द मार्टियर इसकी एक्सरसाइज को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्रेशन देखा था, अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्ड पावर से। ए बी सी में डिवाइडेड है, ए से शुरू करते हैं। ए है आपका द लेटर, द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बल्ड। जो नीचे कुछ वर्ड्स हैं इनके जो लेटर्स हैं वो जम्बल्ड हैं। रीअरेंज दैम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, और उनको रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फर्स्ट से शुरू करते हैं, फर्स्ट ई से बनेगा तो आपका बनेगा इस्केप। सेकेंड है आपका एम से शुरू होके बनेगा तो एम ई एन टी ओ आर मेंटर। थर्ड पी से पी एल ई डी जी ई प्लीज। फोर्थ है आपका ए आर डी ई एन टी अर्डेंट। फिफ्थ है आपका ई ए आर एल वाई अर्ली। सिक्स है पी आर आई ई एस टी प्राइस्ड। फिर सेवन्थ है, ये एट्थ पढ़ा हुआ है लेकिन सेवन्थ ही मानना है इसको, सी ओ यू आर ए जी ई करेज। एंड लास्ट जो है टेरर, टी ई डबल आर ओ आर। देखते हैं बी को। मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई यूजिंग प्रफिक्स डिस। सभी जो वर्ड्स हैं उनमें डिस लगा करके हमें प्रफिक्स बनाना है। एग्जाम्पल है अपॉइंट का डिसअपॉइंट, करेज का डिसकरेज, अपीयर का डिसअपीयर, एबल का डिसएबल, एग्री डिसएग्री, कम्फर्ट डिसकम्फर्ट, कनेक्ट डिसकनेक्ट। सभी के पहले डिस एड कर देंगे और एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जो पीछे डिस लगा के हमने जो वर्ड बनाए हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट है आपका हिज फादर डिसअपॉइंटेड टू हिज जॉइनिंग पॉलिटिक्स। सेकंड है द माइस डिसअपीयर्ड एज सून एज दे सॉ द कैट। मेघना वाज डिस्कम्फर्ट टू सी हर मार्क्स इन इंग्लिश। ही वाज डिसेबल्ड आफ्टर द कार एक्सीडेंट। दे डिसकनेक्ट द फोन बिकॉज पीपल वर मिसयूजिंग इट। वन शुड नॉट डिसकरेज द चिल्ड्रन। ऑल्दो ही कम्स From a royal family, he put up with all the agreement. देखते हैं next C है। Use the following pairs of words in sentences to show the difference in their meaning as given example. नीचे जो pair of words हैं sun और sun, wait wait, pray और pray, here here, new new, सी सी, हेयर एंड हेयर। इनका हमें अलग अलग सेंटेंसों में यूज करना है कि इनकी क्या क्या मीनिंग होती है। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है सीन और सीन का, हैव यू एवर सीन द सनसेट एट अबू। और दूसरा है यस द सीन ऑफ द सनसेट एट अबू इज मार्वेलस। तो सीन का मतलब देखना और सीन का मतलब दृश्य है। ऐसे जो कुछ वर्ड्स है इनका यूज करके हम देखते हैं। फर्स्ट से है सन का मतलब होता है सूर्य, द सन गिव्स अस लाइट। सेकंड है सन मतलब पुत्र होता है, रोहित इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा। सूर्य हमें ऊपर क्या है प्रकाश देता है, जबकि जो रोहित है वो मिस्टर शर्मा का पुत्र है। नेक्स्ट वेट मतलब प्रतीक्षा करना, गीता इज वेटिंग फॉर सीता, गीता सीता की प्रतीक्षा कर रही है। दूसरा वेट मतलब वजन, रोहन्स वेट इज 65 किलो, कि रोहन का जो वजन है 65 किलो है। नेक्स्ट प्रे का मतलब प्रार्थना, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा प्रे का मतलब शिकार,
डियर इज द प्रे ऑफ द लॉयन, जो हिरण्य हैं वो शेर का शिकार है। नेक्स्ट है न्यू मतलब नया, दिस इज माई न्यू कार, ये मेरी नई कार है। और न्यू मतलब जानता था, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। नेक्स्ट है सी मतलब देखना, सी मतलब समुद्र, दोनों अलग अलग मीन्स हैं। आई वॉन्ट टू सी दिस पिक्चर, मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ। द रिवर फॉल्स इन सी, और जो नदी है वो समुद्र में गिरती है। हियर मतलब सुनना, वी हियर विद अवर ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं। और हियर प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। नेक्स्ट है हेयर मतलब बाल, और हेयर मतलब खरगोश, तो हर हेयर वाज ब्लैक, उसके बाल काले थे। और हेयर ऐसा आ हेयर, मैंने एक खरगोश देखा। तो ये थी हमारी वाइट पावर, इसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट है कंप्रहेंशन, टोटल 6 क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।